अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैम एंड गोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है गैबिका 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 और 3 mg, 300 mg की प्रोटेंसी में अवेलेबल है। और ये गेट्स फार्मा की एक प्रोडक्ट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो वह है प्रीगैबलिन, जो कि गैबा पेंटिनॉइड क्लास से बिलोंग करती है और रिड्यूस करती है न्यूरोनल ट्रांसमिशन को, जिससे आपकी जो नोसीसेप्शन यानी पेन सेंसिटिव फीलिंग है और पेन की जो इंड्यूसिंग इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस होते हैं। और इसके साथ ही ये एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी को भी रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से इसे एंटी कन्वल्सन ड्रग और एपिलेप्सी और सीजर्स वगैरह में भी यूज किया जाता है। अब इसकी केमिकल स्ट्रक्चर को चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गैबा के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो गैबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, जो कि एक स्ट्रेट चेन है और ब्यूटेरिक एसिड ग्रुप है। इसकी ये पोजीशन अल्फा, बीटा और गैमा पोजीशन है, और इसकी गैमा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप अटैच है, और इसीलिए इसका नेम गैमा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड है। अब अगर प्रीगैबलिन के स्ट्रक्चर को चेक करें तो वो कुछ ऐसे है। इस स्ट्रक्चर में भी एक स्ट्रेट चेन है, जैसा कि गैबा के स्ट्रक्चर में है, मगर इसकी बीटा चेन पे, बीटा साइड पे आइसोब्यूटाइल ग्रुप अटैच है, और इसी वजह से हम प्री गैबलिन को आइसोब्यूटाइल डेरिवेटिव ऑफ गैबा भी कहते हैं। अब अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करें कि ये ड्रग किस तरह अपने एक्शन को परफॉर्म करती है, तो अब हमने देखा कि प्री गैबलिन स्ट्रक्चरली रिलेटिव और डेरिवेटिव है गैबा का, मगर ये प्री गैबलिन किसी भी तौर पे गैबा रिसेप्टर या गैबा सेल्स की एक्टिविटी को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती, बल्कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल हैं उनकी मॉड्यूलेटरी साइड पे जाके बाइंड होती है और उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से वहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं, जैसे कि ग्लूटामेट हो गया, डोपामीन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, जो कि असल में न्यूरोनल एक्साइटेशन को कॉज कर रहे होते हैं और पेन इंड्यूस कर रहे होते हैं, तो ये उनको इनहिबिट कर देती है, जिससे आपकी पेन सेंसेशन और एपिलेप्सी वगैरह भी ट्रीट होती है। लेकिन अगर हम एपिलेप्सी मिर्गी या न्यूरोपैथिक पेन को डिस्कस करें तो उसमें भी यही होता है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंपल्सिस आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हाइपर एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है, और जब ये हाइपर एक्साइटेड स्टेट में चली जाती है तो वहां मौजूद वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल एक्टिवेट और ओपन हो जाते हैं, और जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन एक्टिवेट हो जाते हैं तो फिर ये आगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो सेंसेस हैं, जैसे कि पेन वगैरह या मैकेनोरिसेप्टर्स की जो सेंसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और साथ ही एपिलेप्सी और फोकल सीजर्स वगैरह के सिम्टम्स भी अपेयर होते हैं। मगर जब आप ये ड्रग प्री गैबलिन यूज करते हैं तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल पे मौजूद अल्फा 2 डेल्टा साइट से जाके बाइंड होती हैं, जिससे अगर कोई नर्व इंपल्स आएगी भी तो तब भी कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, और जब कैल्शियम रिलीज नहीं होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर भी रिलीज नहीं होंगे, और जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होते तो इससे पोस्ट सिनेप्टिक एक्साइटेशन भी नहीं होगी, और आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी है और न्यूरोनल ट्रांसमिशन की जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट हो जाएगी, और इस तरह आपकी एपिलेप्सी और सीजर्स वगैरह कंट्रोल होते हैं। अब अगर इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करें, तो अगर आपको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, अगर आपको कोई एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, या कोई जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो, या इसके साथ अगर आपको एपिलेप्सी मिर्गी या फोकल सीजर, पार्शियल सीजर मिर्गी वगैरह के झटके लगते हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको न्यूरोपैथिक पेन हो, जिसमें आपको शदीद किस्म का शूटिंग बर्निंग पेन होता है, और ये यूजली डायबिटीज के पेशेंट में जब उनका शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो इससे उनकी न्यूरोनल एक्टिविटी या तो बहुत ज्यादा हो जाती है, या नर्व डैमेज या नर्व्स में खिंचाव आ जाता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी भी कहते हैं, और ये पेन यूजली जनरल एनाल्जेसिक या नॉनस्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग या पेन किलर से ट्रीट नहीं होता, तो उसके लिए भी इसे रेकमेंड किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको फिब्रोमायल्जिया हो, जिसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा मस्कुलोस्केलेटल पेन
फटीग, टायर्डनेस और थकावट होती है, इसके साथ ही उसका जो स्लीप, मेंटल और मूड डिसऑर्डर है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर कोई ड्रग एडिक्टर ड्रग्स एडिक्शन को क्विट या लीव किया करता है तो उसमें भी इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही इसे पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, जो कि आपकी स्किन और नर्व फाइबर पे अफेक्ट करती है, जिससे आपकी न्यूरोनल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है और आपको स्किन पे बहुत ज्यादा रैशेज और ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं, तो उसमें भी इसे सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब अगर इसके डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो आपने इसकी स्टार्टिंग डोज लो डोज से स्टार्ट करनी है और इसकी डोज अकॉर्डिंग टू वेरियस मेडिकल कंडीशन डिफरेंट है, मगर आपने इसे सोने से पहले यूज करना है। अब अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में हेडेक होना, डिजीनेस होना, स्लीपलेसनेस होना, मेमोरी लॉस होना और ड्राई माउथ होना कॉमन है। मगर आपने इस ड्रग को, क्योंकि ये एंटी कन्वल्सेंट ड्रग है, एकदम से क्विकली एब्रप्टली विड्रॉ नहीं करना, नहीं तो सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।